एकता जी का खास आदमी है, जिस शो की टीआरपी नहीं आती उसमें डाल देते इसको। ये हर सब्जी में फिट होता है। सो अनुराग थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जरा इधर आ जाओ, एक और आ जा, आ जा सर। हेलो, ऊंची आवाज का मालिक, हमारा बहुत ही उम्दा सिंगर इंडस्ट्री का, उल्टा मुझे ये है, अभी अभी एंजॉय सबको कराएंगे, लेकिन फिलहाल इंट्रोडक्शन दूं। ये राजा हसन, ऊंची आवाज का मालिक। ललित, ललित बिष्ट, वो ऊंची आवाज का मालिक था, ये ऊंचे कद का मालिक है। तो कुछ पहलवान भी हमने रखे हैं ताकि कोई हमें बुरी नजर न देखे। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, चाहे कोई एक्सप्रेस हो, चाहे कोई टाइगर हो, कुछ भी हो, अगर इनमें जोश नहीं है तो सारे फिर बकवास। जोश किस में है सर? जयपुर राज जोशीले में। उधर उधर रहे। मैं मिलाना चाहती हूँ पुनीत से, वन ऑफ द बेस्ट बोलर्स इन बीसीएल। पिछले साल इन्होंने हैट्रिक भी ली थी, काफी मेडल ओवर दिए हैं। सो द बेस्ट बोलर ऑफ बीसीएल इज इन जयपुर राज जोशीले पुनीत। उधर कुछ छुपे रुस्तमी के वो आदमी है जिन्हें हर रात को पार्टी करनी होती है, और जिस दिन पार्टी होती है उस दिन हमें टाइम देते हैं, क्योंकि हम भी उस दिन पार्टी कर रहे थे। इसलिए ये है पार्टी मैन विपिन आनंद, जो हमारे साथ को ऑनर जुड़े हुए हैं। सो इसके बाद कुणाल भाई प्लीज, ये हमारे साथ पूरा ज्वाइन हुआ है। सो ये हमारी पूरी टीम है जो जयपुर राज जोशीले की है, और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा कि इस टीम को जो बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, दैट इज फ्रॉम जीएम ग्रुप, जीएम स्विचेस। सर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस विश्वास से आप जुड़े हैं वो विश्वास टूटेगा नहीं। आप जीएम स्विचेस, टर्न इट ऑन। हमारे साथ आनंद पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप हमारे साथ जुड़े हैं। दो शब्द हमारे लिए प्लीज। सबके होश कर देंगे ढीले, जयपुर राज जोशीले। जब भी जुनून से कोई काम किया जाता है उसमें सोच कम होती है, लेकिन उसमें जो कुदरती जोश होता है ना, वो मुझे पता है कि ये लोग जो भी इस बारी करने वाले हैं, मतलब डेफिनेटली सबके होश उड़ा देंगे। और मैं दिल से बोल रहा हूँ, और अगर कुछ शेर वगैरह लिखना हो मुझे कल फोन करना, सब एसएमएस कर देना। पहली सपोर्टर है जो टीम के साथ जुड़ी हुई है, तो मेरा ख्याल हम सब लोग मंच पे आ चुके हैं। एक फोटो हो जाए फटाफट सबके लिए, ग्रुप फोटो सर प्लीज। यही कहना चाहूंगी कि
हम एक्टर्स बहुत पैशनेट होते हैं जो भी करते हैं. मैं बहुत पैशनेट हूँ, जो भी चीज़ करती हूँ फुल पैशन से करती हूँ, पूरे जुनून से करती हूँ. एक्टिंग की दिल से की, क्रिकेट खिलवा रही हूँ दिल से कर रही हूँ. जिस तरह से आज तक साथ दिया है उसी तरह से आगे भी साथ दीजिए और सपोर्ट करिए मेरी टीम को, जयपुर राज जोशी ने. मैंने ना बहुत सोचा कि जयपुर की टीम है, जर्सी का कलर क्या होना चाहिए. अब आप जब पिंक की बात करो तो लोग सोचते पिंक और लड़कों पर पिंक कैसा लगेगा, लेकिन मैंने सोचा कि अगर हम पिंक सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पिंक सिटी के लिए खेल रहे हैं, तो पिंक कलर क्यों ना हो. तो व्हाई नॉट ब्राइट पिंक, जो थोड़ा सा पावर भी रिप्रेजेंट करे और लाइवली लगे, एकदम बिल्कुल फ्रेश लगे. सो BCL में पिंक कलर कहीं नहीं था तो उसे मैं लेकर आ गई, और उस पर पिंक लड़कों पर कितना अच्छा लगे वो उस पर काफ़ी मेहनत की है मैंने, और जो ये दिख रहा है वो सब इसका क्रेडिट मैं लेना चाहूँगी क्योंकि पूरी मेरी मेहनत का असर है. जहाँ पर कैप की बात हो, कैप पर नाम हो, और जैकेट पर जो लिखा है हमने पीछे सामने आ, और स्लीव पर नाम लिखे हैं, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है एंड आई होप ये सबको पसंद आए. दूसरी टीम को बस यही कहना चाहूँगी कि जमकर प्रैक्टिस करो क्योंकि सामना है जोशीलो के साथ. थैंक यू. मैं ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहूँगा, एक तो आज सबसे बड़ी बात है कि वुमेंस डे है, तो मैं प्रणाम करता हूँ औरतों को, क्योंकि जो भी आज हम हैं या कोई भी दुनिया का इंसान है वो सिर्फ औरतों की वजह से है, क्योंकि माँ है तो हम सब हैं. सो इसलिए सबसे पहले वुमेंस डे पर, आज का दिन नहीं होना चाहिए, पूरा साल वुमेंस डे होना चाहिए, क्योंकि औरतों के बिना ये दुनिया में सर्वाइवल ही नहीं हो सकता. अब दूसरी बात आती है मेरी जयपुर